अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कालीकट का मदरसा और वो मस्जिद जो हिंदुस्तान की सबसे पहली बनी हुई मस्जिद है। अभी हम केरला से निकल चुके हैं, हम दाखिल हो चुके हैं कर्नाटका में और मैसूर की तरफ हम जा रहे हैं। फिलहाल पहाड़ों में हमारी गाड़ी चल रही है। मैसूर में जैसा कि आपको मालूम है, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, उनकी बनाई हुई मस्जिदें हैं और जहाँ वो शहीद हुए थे वो जगह भी है। इन जगहों पर जाने का इरादा है, इंशाल्लाह आप हजरात को भी दिखाएंगे। वहाँ से फिर हम निकल जाएंगे बेंगलोर की तरफ और रात का क़याम बेंगलोर में ही करेंगे और बेंगलोर में आपको हम इंशाल्लाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद की ज़ियारत करवाएंगे। तो बने रहें वीडियो में। कितना गहरा जंगल है यार, जम्मी जंगल ना देख रो, ऊपर देख वैसे सियावा देखती। हमारे ड्राइवर इरशाद भाई, छुपा रहा यार चेहरा, गलत बात है। मैप लगा रखी ले माजी। माशाल्लाह ये जामा मस्जिद है मैसूर की, जिसको हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। ये मस्जिद है वो जामा मस्जिद, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तामीर करवाया था। अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह ये दाखिली दरवाज़ा, ये तालाब है माशाल्लाह, देखिए उसी ज़माने का बैतुल खला वगैरह इधर है। अभी हम एक मंजिल नीचे हैं, जमात खाना दरमियान में बनाया गया है, मीनार है माशाल्लाह, और जमात खाना एक मंजिल ऊपर है। अभी आपको लेकर चलते हैं। और ये सहन है, ये सहन है माशाल्लाह, और ये बरामदा है और ये जमात खाना है। नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको लेकर चलते हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। माशाल्लाह सामने से मंजर देखिए, खूबसूरत मीनार। और अब हम पहुंच गए हैं मज़ार पर। एक झलक आपको मज़ार भी दिखा देते हैं। ये मेन दरवाज़ा है मज़ार पर जाने के लिए, सामने का दाखिली दरवाज़ा। अंदर आपको नज़र आ रहा होगा वो मज़ार है। ये दाखिल होते ही माशाल्लाह पार्किंग बहुत अच्छी बना रखी है। बहुत अच्छा पार्क है, पार्क बहुत अच्छा। पार्क अच्छा लगा? बहुत अच्छा पार्क लगाया, एक नंबर पूरा ग्राउंड। ग्राउंड लगाया ऐसे अच्छा लगा, बहुत ग्रीन के साथ। इसको भूख लगता है, मतलब भूख अभी खाना खाएंगे, खाएंगे अभी खाना। ये मज़ार होगा, टोकन देगा कितने का है? 20 रुपये सबका, सबका आने के बाद देंगे। ये मज़ार है, वो मस्जिद होगी। كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام। हर चीज फना हो जाएगी। अच्छा, इधर भी कब्रें बनी हुई हैं और ऐसे गैलरियाँ बनी हुई हैं। ये मज़ार है, ये मज़ार हो गया,
ये बीच में एक जगह है सहन, फिर ये मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। इसकी बनावट भी कुछ कुछ जामा मस्जिद से ही मिल रही है, जो जामा मस्जिद मैसूर शहर में बनी हुई है, बिल्कुल इसी की तरह इसकी बनावट है। इसके सामने मज़ार है। वहाँ भी कुछ कब्रें हैं, इधर भी कुछ कब्रें हैं, बीच में मज़ार है। ये सब कुछ ही नहीं है जो कुछ है, नहीं मैसूर वो कालीन का फैक्ट्री है ना उनका, मैसूर के मैसूर खुद में ना जाने के लिए मन था। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हेलो, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे हम बेंगलोर में। अभी हम बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं, रात का कयाम वहीं रहेगा और आपको फिर उसमें दारुल सबील रशाद की हम ज़ियारत करवाएंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।